नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अभी हुदहुद का खौफ गया भी नहीं था कि नया तूफान आ खड़ा हुआ है। देश के सिर पर खड़े इस नए तूफान का नाम है निलूफर। जी हां, मौसम विभाग का यह कहना है कि पाकिस्तान होते हुए निलूफर गुजरात के तटीय इलाके को सबसे पहले अपना निशाना बनाएगा। इस खौफनाक खबर के बीच थोड़ी राहत इस बात की है कि निलूफर एक दिन लेट हो चुका है। पहले माना जा रहा था कि निलूफर 31 तारीख को कच्छ पहुंच जाएगा, लेकिन अब उसके 1 नवंबर को आने की खबर है। चक्रवाती तूफान निलूफर ने दिखा दिया है पाकिस्तान पर अपना प्रकोप। हिंदुस्तान में भी बज चुकी है खतरे की घंटी। निलूफर के अगले निशाने पर है गुजरात का तटीय इलाका। पाकिस्तान के सिंध से लगे तटीय इलाकों में जोरदार बारिश और तेज हवा का कहर दिखने लगा है। कराची के कुछ इलाकों में भी इसका असर है। खासकर थट्टा, सजवाल और बादिन में तूफान सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला है। तूफान पाकिस्तान से होता हुआ सीधा गुजरात के कच्छ के नलिया से टकराएगा। जाहिर है तबाही की तारीख बेहद करीब है। अभी कुछ दिन पहले ही हुदहुद ने हड़कंप मचा दिया था। आंध्र प्रदेश में तबाही का आलम सबने देखा। अब इस बार निलूफर की बारी है। गुजरात से टकराएगा निलूफर। अगले 48 घंटे हैं खतरनाक। मौसम बिगड़ेगा, समंदर उफनेगा, हवा तेज चलेगी, बारिश मूसलाधार होगी। पाकिस्तान से हिंदुस्तान की ओर बढ़ रहे तूफान निलूफर पर मौसम विभाग की पैनी नजर बनी हुई है। ताजा जानकारी के मुताबिक चक्रवाती तूफान निलूफर 1 नवंबर यानी शनिवार दोपहर 1 बजे गुजरात के तट से टकराएगा। पहले इसके शुक्रवार यानी कल आने की आशंका थी। फिलहाल निलूफर अभी पश्चिम मध्य अरब सागर के इलाके से होकर गुजर रहा है। अभी कच्छ से करीब 1000 किलोमीटर दूर है। राहत की बात यह है कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा और निलूफर के कच्छ पहुंचने में जितनी देरी होगी, तूफान उतना ही कमजोर पड़ता जाएगा। पूरे कोस्टल सौराष्ट्र कच्छ अफेक्टेड रहेंगे और वो साइक्लोनिक स्टॉर्म हिसाब से वो हो रहा है, लेकिन एक अच्छी बात है कि वो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का हिसाब से लैंडफॉल नहीं होगी, वो वीकेंड होगी साइक्लोनिक स्टॉर्म हिसाब से, देन लैंडफॉल करने का टाइम में गुजरात कोस्ट का, जैसे जैसे गुजरात को कोस्ट का पास आएगा उसका थोड़ा इंटेंसिटी घटेगा और वो साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा, तब भी क्रॉस करेगा। निलूफर तूफान को देखते हुए गुजरात सरकार ने बचाव के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। कच्छ के इलाके में एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात कर दी गई हैं। इसके अलावा करीब 128 गांव से कुल 30,000 के आसपास लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम लगातार जारी है। निलूफर का सबसे ज्यादा असर नलिया के इलाके में होने वाला है, इसीलिए इस इलाके में खास तौर से सावधानी बरती जा रही है। इसके अलावा अंजार, भचाऊ, भुज, गांधीधाम, मांडवी, मुंद्रा और नखात्रना के इलाके में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के अलावा बिजली बहाली को लेकर भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। तूफान के चपेट में आने वाले इलाकों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। जिले में एनडीआरएफ की टीम भी दोपहर को पहुंच रही है, एसआरपी की प्लाटून भी आ रही है और जिले में पूर्वोत्तर की पुरुष परिस्थिति, डीजल, पेट्रोल, अनाज सभी को मिल सके और जरूर पड़े तो सरकारी रिजर्व स्टॉक भी हमने रखा है। निलूफर को देखते हुए दिल्ली से लेकर गुजरात तक की सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। कैबिनेट सेक्रेटरी अजीत सेठ ने बैठक बुलाकर समीक्षा की है। उधर गुजरात की मुख्यमंत्री सीधे तौर पर इंतजामों को देख रही है। पूरी तैयारी कर दी है, पहले तो मछुआरों को बुला लिया है, वापस आ जाइए, एक काम पूरा कर दिया है। दूसरा जो 25-50 किलोमीटर अंदर उसका इफेक्ट होने वाला है, तो हम लोगों ने अभी से कहा है कि जो ट्री है उसका ट्रिमिंग कर दें, जिसकी वजह से जो फॉल हो जाता है ट्री वो ना हो। तीसरा, किसानों को हम लोगों ने अवगत कराया है कि जिस लोगों ने मगफली ले ली हो या उसके ढगले जो खेतों में हो
वो अपने तरीके से वापस ले ले। नीलोफर टकराएगा तो गुजरात के कच्छ में, लेकिन उसका असर दूर दराज तक पड़ने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि देश के कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। इतना ही नहीं, नीलोफर के आने से तापमान में भी अचानक गिरावट आ सकती है। गोपी घांगर के साथ ध्रुव जोशी, गीर सोमनाथ, आज तक। नीलोफर जितना लेट होगा उतना ही कमजोर पड़ेगा। एक दिन तो पहले ही वो लेट हो चुका है। हालांकि प्रशासन बचाव के इंतजाम जोर शोर से करने में जुट गया है। खासतौर पर हुदहुद का मामला अभी ताजा ताजा सबके सामने है। हुदहुद के बाद तबाही का ये नया तूफान नीलोफर बादलों की गड़गड़ाहट और जबरदस्त बारिश के साथ दस्तक देगा। इस तूफान के आने की तारीख थोड़ा आगे बढ़ गई है। अब 1 नवंबर को दोपहर बाद नीलोफर उत्तरी गुजरात के नालिया के पास टकराएगा। समुद्र थर्रा उठेगा। तूफानी हवाओं के साथ साथ समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी। जी हां, तबाही के इस नए तूफान के बारे में ऐसी ही भविष्यवाणी की जा रही है। तारीख एक दिन आगे बढ़ गई है, लेकिन खतरा बरकरार है। साइक्लोन जैसे जाएगा, ये हमारा भी फोरकास्ट है, और जब जाएगा तो विंड स्पीड 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है अलोंग द कोस्ट। सो इसलिए जो प्रिकॉशनरी मेजर है, इसके लिए हम लेने के लिए अभी एडवाइस कर रहे हैं लोगों को। चक्रवाती तूफान जिन इलाकों को अपना निशाना बनाता, वहां तबाही मच जाती है। अब आपको एनिमेशन के जरिए बताते हैं कि चक्रवाती तूफान नीलोफर अरब सागर में कैसे भारत की तरफ बढ़ रहा है और कहां कहां ये खतरा बन सकता है। हम आपको बता दें कि नीलोफर अभी ओमान की तरफ अपना रुख बनाए हुए है, और ये आज ओमान की तरफ चलकर बीच रास्ते में ही अपनी दिशा बदल देगा और गुजरात की तरफ मुड़ जाएगा। 1 नवंबर को ये जैसे ही गुजरात के करीब पहुंचेगा, तो इसकी वजह से गुजरात के कच्छ सौराष्ट्र इलाकों में समंदर अशांत हो जाएगा और समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगेंगी, जिस वजह से कच्छ और सौराष्ट्र में पड़ने वाले बंदरगाहों को अलर्ट कर दिया गया है। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। तात्पर्य यह कि इस वक्त जो हवा की गति है करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास है, और ये उत्तर पश्चिमोत्तर दिशा की तरफ बढ़ रहा है। आगामी 36 घंटे ये और तीव्रता ग्रहण करेगा, यानी ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो जाएगा। जो इंडो पाक बॉर्डर है नलिया के आसपास, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, समंदर में उठेंगी 3 मीटर ऊंची लहरें, बारिश के साथ तांडव मचाएगा नीलोफर। नीलोफर में बन चुकी है तबाही की आंख। नीलोफर के अंदर तबाही की आंख बन चुकी है। अभी हवाओं की रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो तूफान के नजदीक आते आते 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच जाएंगी। तूफानी हवाएं कैसे मंजर दिखाती है, विशाखापट्टनम में हुदहुद की तूफानी हवाओं की ये तस्वीर भी देख लीजिए। मौसम विभाग के मुताबिक नीलोफर चक्रवात गुजरात के नलिया से टकराने की आशंका है, जिससे सबसे ज्यादा तबाही सौराष्ट्र और कच्छ में देखने मिलेगी। एहतियातन प्रशासन ने अभी से ही कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम को भी अभी से ही वहां पे डिप्लॉय करना शुरू कर दिया गया है। अभी नीलोफर गुजरात के नालिया से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में है, लेकिन दहशत ने पैर पसार लिए हैं और समुद्री इलाकों को खाली करा लिया गया है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि समुद्री तट से टकराने के बाद नीलोफर की ताकत कुछ कम हो सकती है, लेकिन पूरे 12 घंटों तक ये चक्रवाती तूफान ही बना रहेगा। फिर मौसम में भी बदलाव होगा, हवाएं तेज भी होंगी और ठंडी भी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद ये डिप्रेशन बन जाएगा। इसकी वजह से गुजरात के साथ साथ राजस्थान
और मध्य प्रदेश में भी जोरदार बारिश की संभावना है। हम लोग अभी सौराष्ट्र कच्छ के लिए बोल रहे हैं कि 30 तारीख को बारिश शुरू हो सकता है और आइसोलेटेड प्लेसेस में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है। समुद्र अभी अशांत रहेगा, इसलिए जो फिशरमैन वार्निंग है हम लोग बोले हैं कि जो गए हैं ऑलरेडी वो वापस आ जाना चाहिए। तो अब सावधान, हुदहुद के बाद नीलोफर ने भी कर ली है दहशत की सुरख तख्तियार। ऐसे में गुजरात सरकार भी सतर्क है और मौसम विभाग भी अरब सागर में पल पल की हलचल पर नजर बेहद पैनी है। साइक्लोन नीलोफर इस समय अति भीषण चक्रवात यानी वेरी सीवियर साइक्लोन बन चुका है। इस समय अभी ये समंदर में है, आने वाले 24 घंटे में ये ओमान की तरफ जाएगा, फिर वहां से मुड़कर ये गुजरात की तरफ रुख करेगा। लेकिन गुजरात आते आते इसकी ताकत में कुछ कमी आएगी, इस वजह से गुजरात के तमाम इलाकों में जैसा कि पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि वेरी सीवियर साइक्लोन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये साइक्लोन अब सीवियर साइक्लोन ही रह जाएगा। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। अभी कुछ दिन पहले हुदहुद से आंध्र प्रदेश में जबरदस्त तबाही हुई थी। प्रशासन के जोरदार इंतजाम के बावजूद हुदहुद ने अपने निशान छोड़ दिए हैं। आपको दिखाते हैं कि हुदहुद ने कैसे मचाई है तबाही। हुदहुद से आई तबाही कितनी भयानक और कितनी बड़ी थी, इसकी गवाह विशाखापट्टनम एयरपोर्ट की इन तस्वीरों ने दी। त्रासदी का मंजर आप साफ देख सकते हैं, चारों तरफ मलबा ही मलबा। तूफान से एयरपोर्ट की छत के पर खच्चे उड़ गए, हवाई अड्डे की इमारत पर लगे शीशे ताश के पत्तों की तरह उड़ने लगे, कुर्सियां कागज की तरह उड़ने लगी, होर्डिंग, लाइटें, एक्सरे मशीनें, एसी, वाटर डिस्पेंसर, सब कुछ उड़ने लगा और एक मलबे की शक्ल में ऐसे जमा हो गया। हुदहुद की तस्वीरों को देखकर ही नीलोफर से डर लगने लगता है। अब इस तस्वीर को भी देखिए, कार के बहुमंजिला शोरूम से कारें उड़ उड़ कर पेड़ों पर लटक गई। हुदहुद ऐसी तबाही लेकर आया, मकानों की छतों से पानी की टंकियां भी उड़ा ले गया। पानी की बड़ी टंकी समुद्र में गोते खाते नजर आई। समुद्र की कोख से उठी तबाही जब सड़कों पर आई तो मंजर कुछ ऐसा था, पेड़ ध्वस्त हो गए, बिजली के खंभे उखड़ गए, ना ट्रैफिक सिग्नल रहा, ना सड़कों पर लाइटें। हम आपको बता दें कि अकेले आंध्र प्रदेश में हुदहुद से हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। और ये विशाखापट्टनम के शिपिंग हार्बर की तस्वीरें, हुदहुद तमाम जहाजों को जैसे फना कर गया और ये तस्वीरें अपने पीछे छोड़ गया। मौसम विभाग की मुस्तैदी ने लोगों की जिंदगियां जरूर बचा ली, लेकिन तूफान के जोर के आगे तबाही ना बचा सके। प्रशासन देखता रहा, सरकारें देखती रही, हुदहुद के सामने हर कोई बेबस और लाचार नजर आया। अब नीलोफर की आहट ही खौफ बन गई है। गुजरात में अलर्ट जारी कर दिया गया है, 31 अक्टूबर की सुबह क्या होगा, कुदरत के कौन से प्रकोप का सामना होगा, सोचकर ही डर लगता है। आज तक ब्यूरो।